गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवन्थ। आज हम जो हमारा जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर है सेवन्थ, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपने बहुत अच्छे से सिक्स्थ क्लास के अंदर इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सीख लिया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को जब हम सोल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको फोर रूल्स पहले से ही याद हैं कि जब भी हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके अंदर उसके अंदर यदि कोई प्लस है तो वो राइट साइड में जा करके, या राइट साइड में है वो वैल्यू तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं प्लस का तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जब माइनस का ट्रांसपोज करते हैं तो वो वहाँ जा करके प्लस हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है यदि कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशियंट तो उसकी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड में है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A। इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाई ट्रांसपोजिशन, चेक योर आंसर। तो आपको आंसर भी चेक करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले तो आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद फिर चेकिंग भी करके दिखानी है। तो इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। सिक्स क्लास में आप इसको अच्छे से कर चुके हो। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ देखिए, ये जो x के अंदर 5 है ये प्लस में है, तो ये उधर जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको लेकर के जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहले 9 लिखेंगे उसके बाद माइनस का 5 लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हम इसकी क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखिए ये इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन से पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो अब ये देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो भी चेकिंग करोगे वो उसका पैटर्न यही रखना है आपने। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, एक्स प्लस 5। तो अब अपने एक्स की क्या वैल्यू फाइंड की है, 4। तो यहाँ लिखिए अब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो इसमें 4 रख देंगे और प्लस में क्या है, 5। तो 4 प्लस 5 क्या होता है, 9। अब आप देख सकते हो 9 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ लिख सकते हो इसको, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ क्या लिखोगे अब, 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले है a प्लस 10 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसी तरह से चेकिंग करनी है, चेकिंग के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a प्लस 10 के, और यहाँ वैल्यू किसकी पुट करेंगे हम, a की क्या वैल्यू आई है, 2। तो यहाँ 2 प्लस 10 लिख देंगे, और 2 प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के, और 12 देखो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये आपको चेकिंग करनी है। अब देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या सॉल्यूशन स्टेटमेंट क्या गिवन है, x प्लस में 3/5 इज इक्वल टू 4/5। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट साइड में देखिए 4/5 एज इट इज़ रखना है, फिर ये प्लस का है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कभी भी जब भी हम रैशनल नंबर को सोल्व करते हैं प्लस या माइनस की फॉर्म में तो एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। तो 5 एज इट इज़, तो 4 माइनस में 3, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 5। तो x की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 1/5। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, x प्लस 3/5 के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/5। तो इसके अंदर आप देख सकते हो x के प्लेस पे 1/5 पुट कर देंगे और प्लस में क्या है, 3/5, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5। तो ऊपर वाले एज इट इज़ दोनों ऐड हो जाएंगे, 1+4 क्या हो जाएगा, 4/5, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख सकते हो आप राइट हैंड साइड का इक्वल है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। बिल्कुल सेम पैटर्न हमारा रहेगा फोर्थ पार्ट के लिए भी, फिफ्थ पार्ट के लिए, इसमें देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, एक दो क्वेश्चन कुछ पेरेंट्स के कॉल भी आई है और मुझे भी लग रहा है कि एक दो पार्ट आपको खुद भी करने चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैं सभी सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं तो आप फिर घर जाके इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो।
तो अब ये देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 11.4 माइनस का साइन वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4.2। अब x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 11 प्लस 4 15 प्लस 0.6। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 15.6। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो x माइनस में 4.2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15.6, तो यहाँ x के प्लेस पे हम लिखेंगे 15.6 माइनस में 4.2। जब 15.6 में से 4.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 11.4, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए इसके बाद सेम है, सेवन्थ पार्ट खुद करके देखोगे आप, इसका एट्थ पार्ट देखिए, एट्थ पार्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है, p माइनस में 2/7 इज इक्वल टू 4/7। तो इसमें देखो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4/7 एज इट इज, तो माइनस का 2/7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए एलसीएम 7 ही रहेगा, तो 4+2 इज इक्वल टू में 6/7, तो p की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 6/7। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p माइनस में 2/7, और यहाँ आप पुट कर दोगे किसकी वैल्यू, p की वैल्यू, क्या वैल्यू हमने फाइंड किया 6/7, तो p के प्लेस पे हम 6/7 लिखेंगे और माइनस में 2/7, दोनों का एलसीएम सेम है 7, तो ऊपर वाले न्यूमिरेटर भी एज इट इज आएंगे, तो 6 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/7, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहां लिख सकते हो कि विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन भी आपको करके दिखानी है। वेरिफिकेशन कब करोगे, जब आपको कहा जाए कि चेक योर आंसर, तभी चेकिंग करनी है, अदरवाइज चेकिंग नहीं करनी है आपको। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोल्व ईच इक्वेशन चेक योर आंसर्स। बिल्कुल सिंपल, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 3y = 9, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमें वैल्यू y की फाइंड करनी है, और y के साथ ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड करना है, और जब डिवाइड में हो तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 9 एज इट इज़ रहेगा, 3 अपॉन में आएगा, तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3, तो y किसके इक्वल होगा 3 के। इसी तरह यहाँ आपको क्या कॉलम बनाना है, चेकिंग, तो चेकिंग के लिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, क्या लेना है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ क्या है 3y, किसके इक्वल है 9 के, 9 को हमें प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3y है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 3, तो इसके अंदर देखो 3 मल्टीप्लाई y, y के प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, और ये जो 9 है ये आप देख सकते हो इसके अंदर किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप देखो इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें क्या गिवन है, 75 इज इक्वल टू 5y, तो इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y के साथ जो 5 है ये अपॉन में चला जाएगा 75 के, और अब हम इसको कट कर देंगे तो 15, तो y की जो वैल्यू आएगी 15 आएगी, या 15 को y के इक्वल लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो हमें यहाँ लेना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो यहाँ हम लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है 5y के, और y की वैल्यू हमें जो पुट करनी है वो क्या करनी है 15 करनी है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद 15 इज इक्वल टू 75, और जो 75 है वो हमारा किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, -7 से डिवाइड करेंगे तो -12 आ जाएगा, a की वैल्यू -12 आएगी, फिर इसी में पुट करके चेकिंग आप सबको समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह से फोर्थ पार्ट के अंदर हम m की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, -8 से जब हम -24 को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ जो फोर्थ पार्ट है m की वैल्यू 3 आएगी, और फिर इसकी हम चेकिंग करेंगे। इसी तरह से इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर ये देखिए क्या
क्या करना है, हमें जे अपॉन सेवन किसके इक्वल है, फाइव के, तो जे की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जे के अपॉन में सेवन है, तो आपको बता रखा है जो अपॉन में हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जे की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 35। फिर हम इसकी चेकिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चेकिंग अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो इसकी चेकिंग आप खुद करके देख सकते हो। इसके बाद सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ एक्स अपॉन टू किसके इक्वल है, माइनस टेन के। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, माइनस टेन की टू से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 20। और फिर इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। इसका सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट में देखो w अपॉन माइनस एट इक्वल है माइनस फोर के, ये हम पूरा करके देख लेते हैं। देखिए तो w की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस फोर की मल्टीप्लाई माइनस एट से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एट फोर जा 32, तो w की वैल्यू क्या आएगी, 32। तो इसकी हम चेकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह इनके अंदर भी हमें करना था, तो w अपॉन माइनस एट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 32, तो आप w के प्लेस पे 32 पुट कर दोगे और अपॉन में क्या है, माइनस एट। तो देखो 8 से 8 को जब हम कट करेंगे 32 को, तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4। तो आप देख सकते हो यहाँ जो राइट साइड है वो माइनस 4 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल जब आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। इसके बाद है इसका एट्थ पार्ट के भी अंदर आपको यही करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी के अपॉन में क्या है, 2/9, जो कि किसके इक्वल है, 10 के। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.9 से, तो 10 मल्टीप्लाई विद 2.9 को हम लिख सकते हैं 29/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास g की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 29। अब यहाँ देखिए इसकी भी हम वेरिफिकेशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z अपॉन 2.9 और z की वैल्यू हम पुट करेंगे 29 और अपॉन में क्या है, 2.9। तो आपको पता है जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का डेसिमल होगा उतनी ही जीरो ऊपर चली जाती है, तो इसमें देखो डेसिमल जब हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा और 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10। और 10 किसके इक्वल है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, तो 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी आपको चेकिंग करनी थी, देख सकते हो आप, तो इसलिए हमने चेकिंग की है। जब चेकिंग नहीं लिख रखा होगा तो हम चेकिंग नहीं करेंगे, सिंपल उसकी वैल्यू फाइंड करके लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके अंदर हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म, हमें ये गिवन है एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर और हमने इसको चेंज करना है किसके अंदर, इक्वेशन फॉर्म में। तो फाइंड न्यूमेरल्स टू मेक ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ से हमें x की या जो भी हमारे पास अननोन वैल्यू गिवन है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हमें इसका फाइंड करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर करनी है, तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं द सम ऑफ 5 एंड x, हमें सम फाइंड करना है किसका, 5 और x का, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5 भी लिख सकते हैं और 5 प्लस x भी लिख सकते हैं इज 12। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वन वेरिएबल में, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 या 5 प्लस x इज इक्वल टू 12। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो x प्लस 5 12 के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 माइनस में 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 7 या सिंपल 7 भी लिख सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, आप 7 भी लिख सकते हो सिंपल, या x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, x डिक्रीज्ड का मतलब होता है कम करना, तो इसके लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, तो x डिक्रीज्ड बाय 7 इज 13, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 7 उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 20 होगा। अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट, 6 लेस देन 2 टाइम्स y। देखो हमें 6 को लेस करना है, किस में से लेस करना है,
टू टाइम्स, किसके टू टाइम्स, वाई के टू टाइम्स। तो देखो वाई का टू टाइम्स क्या हो जाएगा, टू वाई, इसमें से हमें लेस करना है सिक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिक्स इज इक्वल टू, इज क्या बोले, इज इक्वल टू 32। तो किसके इक्वल रख देंगे इसको, 32 के। तो इस तरह से ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वन वेरिएबल में, और फिर इसका हमें सॉल्यूशन बताना है क्या है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। देखो पहले 2y को एज इट इज़ रखेंगे, पहले माइनस सिक्स को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 32 प्लस सिक्स हो जाएगा। अब देखिए 2y किसके इक्वल होगा, 32 में 6 को ऐड करेंगे तो 38 होगा। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये सभी रूल आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 19। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 19। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है और वो उसका सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट के बाद देखिए फोर्थ पार्ट, इफ़ 8 इज टेकन अवे, टेकन अवे का मतलब भी माइनस ही होता है, फ्रॉम द नंबर n, एक नंबर है हमारे पास n, इसमें से हमें टेकन अवे करना है किसको, 8 को, तो n माइनस 8, द रिजल्ट इज माइनस 4। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 4। तो रिजल्ट का जो मतलब है वो हमें समझना है कि इक्वल आएगा किसके, माइनस 4 का। तो ये लीनियर इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो माइनस 4 एज इट इज़, ये जो माइनस 8 है वो वहाँ जाके प्लस 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 4 आएगा, रूल आपको पता ही है सब्ट्रैक्ट करने के। तो यहाँ जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा प्लस 4। अब इसको हम इरेज कर देंगे। अब देखिए इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ में हमें क्या करना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई आर, हमें 9 की मल्टीप्लाई करनी है आर से, तो क्या बन जाएगा, 9r। आप 9 मल्टीप्लाई आर लिखोगे तब भी इसको हम क्या लिखेंगे, 9r लिखेंगे, इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और अब इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 36 को 9 से डिवाइड करके, 9 4 जा 36, तो r इज इक्वल टू 4। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा फिफ्थ पार्ट का वो भी क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स, अब देखिए इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हमारे रह गए थे वो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट, क्यू मल्टीप्लाइड बाई 7। यदि हम क्यू की मल्टीप्लाई करें 7 से, जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस 35 का। तो पहले तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, और बाद में इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्यू की मल्टीप्लाई 7 से करें, या तो क्यू माइनस 7 कर लो, या फिर आप इसको 7 मल्टीप्लाई क्यू, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7 क्यू लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल है, माइनस 35 का। तो ये तो इक्वेशन हो जाएगी, 7 क्यू इज इक्वल टू माइनस 35। और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो माइनस 35 को आप डिवाइड कर दोगे 7 से, तो ये 5 आएगा, तो क्यू की वैल्यू माइनस 5। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा माइनस 5। अब देखिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ के बाद सेवन्थ, इफ़ डी इज़ डिवाइडेड बाई माइनस 4। यदि हम डी को डिवाइड करते हैं माइनस 4 से, जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल। तो ये तो इक्वेशन हो जाएगी, फिर इसको सोल्व करना है, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस 12। इसके बाद देखिए इसका एट्थ पार्ट, 8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, 8 डिक्रीज्ड बाई, 8 को 8 में से हमें डिक्रीज करना है 3 टाइम्स a। तो ये देखो 8 में से हमें डिक्रीज करना है किसको, 3 टाइम्स a को, तो 3 टाइम्स ऑफ a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ से इक्वेशन तो हम बना चुके हैं, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान देना है आपको, तो ये जो माइनस का 3 है इसको तो यही रखेंगे, प्लस का 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। तो अब ये देखो माइनस 3a इज इक्वल टू 2 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सबको पता है किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 6 के। तो अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, माइनस 6 को डिवाइड कर देंगे माइनस 3 से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप देखने के लिए। अब देखिए इसके बाद इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप, 8 को यही रहने दो, ये जो प्लस का 2 है ये इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 3 है ये उधर जाके प्लस 3a हो जाएगा। जब भी हम साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट साइड में से राइट में जाते हैं,
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यदि राइट साइड में से भी आएंगे इस तरफ लेफ्ट की तरफ तब भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये प्लस का 2 था, इधर आके माइनस 2 हो गया, ये माइनस 3 है उधर जाके प्लस हो गया। अब 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और यहाँ 3 है, तो अब यहाँ भी देखो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a इज इक्वल टू 2। तो वही चाहे आप पहले वाले मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो, ये थोड़ा इजी रहता है। अब देखिए इसके बाद इसका पार्ट नंबर 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड द नंबर x। एक नंबर है 7 और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें x के साथ, जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी 42। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए इसके बाद है लास्ट पार्ट, क्वोशेंट ऑफ m डिवाइडेड बाई 5। तो देखो m को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो जो क्वोशेंट आएगा वो किसके इक्वल है, 6 के है। तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या है, तो आपको ये रूल पता ही है, जो डिवाइड में है उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड में कौन है, 5, तो 5 के मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, तो m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 30। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से यह समझ में भी आ चुका होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट करेंगे, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चंस को समझना भी है और अपनी फेयर नोटबुक के अंदर भी इसे ज़रूर से ज़रूर करना है। थैंक यू।